बुलबुल फाउंडेशनच्या मार्फत मी कलकत्ता, बांगलादेश, बेंगलोर वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेल्या लोकांची मदत करते. त्यांना जेवणासाठी अन्न मिळत नाही, ते उपचारांसाठी वेगवेगळ्या प्रांतातून टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल येथे येत असतात. त्यांच्या जेवणाचा खर्च त्यांना जेवण तसेच राहण्याची सोय करणार आणि कमी किमतीमध्ये त्यांना चांगल्या प्रकारचं जेवण त्यांना देणार आहे. तसेच त्यांचे राहण्यापासून ते खाण्यापर्यंत सर्व प्रकारची सोय मी माझ्या हॉटेलमध्ये करते आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये राहत असलेल्या लोकांना जेवण, लागणारे कपडे हे देण्याचं काम देखील मी माझ्या बुलबुल फाउंडेशनमार्फत करते. माझ्या वडिलांचं कर्करोगानं निधन झालं तर त्यांच्यासाठी मी काही करू शकले नाही, त्यामुळे मला असा विचार आला की आता ज्यांना कर्करोग झाला आहे त्यांची मी मदत करू शकते आणि हे करून मला खूपच चांगलं वाटतं. मॅडम, आपका नाम बताइए सबसे पहले. मेरा नाम बुलबुल राय. मॅडम, हे फाउंडेशन की तरह आप कैसे काम करते और क्या फाउंडेशन में मैं पेशेंट को मदद करती हूँ, जैसा कलकत्ता, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम, ऐसा जो पेशेंट लोग अपना रिलेटिव को लेकर आता है, उनको खासा का बहुत प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ, डॉक्टर से बात करने के बाद उनको जो भी जानकारी हम उनको देती हूँ, देने के बाद उनको जैसा जरूरत पड़ता है उनको उसमें साथ देती हूँ. ये ऐसा जो विचार है वो कैसे आया आपके मन में, क्या रीज़न है उसका? कि मेरा पापा को ही कैंसर हुआ था, मैं जब छोटी थी मेरा पापा को कैंसर हुआ था और उस कैंसर में तो मेरा पापा भी गुजर गया और उनका बहुत तकलीफ हुआ था, जो तकलीफ मैं अभी तक टाइम नहीं पा रही थी उनको कितना तकलीफ हुआ था. तो मैम, ये जो है बुलबुल फाउंडेशन, वो कब से काम कर रही है यहाँ पे कैंसर पेशेंट के लिए? असल में मेरा नाम ही बुलबुल राय है और मैंने अपना नाम पे एनजीओ खुला की, मेरा नाम बुलबुल राय है और बुलबुल राय फाउंडेशन मैंने खुला है और जो 19 साल में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 19 में जब रजिस्ट्रेशन किया उनके बाद लॉकडाउन चालू हो गए. लॉकडाउन चालू होने के बाद हम लोगों पेशेंट को मदद करना चालू किया, रेशन भी दिया, उसके बाद हमने जो मतलब 2000 से बीच से हमारा खाने का गाड़ी भी लग गया है. खाने का गाड़ी जब ये पेशेंट लोग को तब 600 पेशेंट को हम खाना देता था. जब मैंने चालू किया बेंगल गला शिवाजी पार्क से मेरे को मदद मिला था, 350 पेशेंट को खाना आया था. उसके बाद 16/4/2020 से अक्षरधारा फाउंडेशन से हमारा खाना आ रहा है, खाना, बिस्किट, जूस, उन लोग को फाउंडेशन से हमको मदद कर रहा है. ऐसा दूसरा भी बहुत मन आदमी है जो हमको मदद किया और एक काम अभी भी चालू है हमारा.